बॉन्डिंग हो गई है बैड न्यूज के साथ। बैड न्यूज ये है कि अम्मा ने सुबह से उठ के ना शोर मचा करके मेरी क्या तबीयत है? ठीक। नहीं तो रोन वाली कड़ी गाल है, ताकि उसको ले जाओ हॉस्पिटल में। तो तू वाल फजूल गाली क्यों करें पे है? इना मतलब तू खुश थी बेटी की अम्मा की तबीयत खराब है? जूता ये पिंक वाला जूता दो साइज और हो पर तू टी में रख, तू चंगी हो दी यही किधर गई? और वाल वॉशरूम पहुंच गई है Live a Calm Balak vlog. Welcome back, new other vlogs. Please subscribe and like, share, comments. Bye. Asha, bye. Bye. Uth jao. Wo dekh. Uth. Mama, like, mama, utho, drama bazi na karo. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू अदर व्लॉग। कैसे हो सर? हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और हमारी मॉर्निंग हो गई है बैड न्यूज के साथ। बैड न्यूज ये है कि अम्मा ने सुबह से उठ के ना शोर मचा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दवाई लेके आओ, दवाई लेके आओ, दवाई लेके। अभी जाके पूछते हैं क्या हुआ उसको। मामू को उठा भाई, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ बाजी? बाजी दिल से आकार कर सकते हैं, तू बीमार है। 8 बजे दा उठा जैसी धार धार ले पिए, यो बात है, यो बात है, यो बात अन्यान ले पिए पूरे मुल्क को सेहत जात पिए। मैं दवाई ले आ जा, मैं रात को आ जाए ना मामी, मैं रात को सोम गया हम ना फोच गया 1 बजे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ क्या है? हाँ तीन तो रोन वाली कड़ी गाल है। आपने तेरे को डॉक्टर बड़ी पेरा दे सीए बुखार है दिए हैं सभी कड़ी है। और वाल सवेले 9 बजे में कितना चार्ज लो? सरकारी अस्पताल वाले तो टिकट हो गए थे बुखार तार कहीं खुआ नहीं, इधर रोने की केड़ी गाल है? सब कर फिर आ सब कोठे दिया मैं और रोवे पे तो तू टीवी रख से तू चंगी हो दी यही और रोली पे ये तू था मैं मेरे पास आ मैं किते अम्मा रो रही है यार, उठ जाओ, उसको बुखार है सच्ची मुझे। हैं जाकर उसको ले जाओ हॉस्पिटल में। उठो भाई टाइम से, तू तेरे को तंग है, तू कहीं को नहीं जीवा ने दी तू तू को कहीं खावन वास्ते नहीं मिली थी खावन क्यों बंद है? हेलो गुड मॉर्निंग, आप सोई थी? हाँ घर आप? हाँ हमने रात कत्ते सोई थे। वो पागल, वो वैसे मैं मजाक से नहीं रो रही, उसकी तबीयत सच्ची में खराब है। सच्ची तो खराब है। तो तू वाल फजूल गाली क्यों कर रही है? इन्हें मतलब तू खुश थी नहीं बैठी की अम्मा की तबीयत खराब है? अम्मा रेटी रेटी खुश थी नहीं बैठी आदि आदि तो आप कशा नहीं थी, तुसा तो दिमाग खराब है माँ दीदी को आके सी ना बुलाए केड़े काम दिए? खुशामद क्यों? मैं तो सही गाल करी निकली हाँ, इतनी अच्छी थी तो तुम अभी तक ले जाती हॉस्पिटल में?
रिक्शे पे ले जाती, रिक्शे पे ले जाती ना हॉस्पिटल। ऐसा नाश्ता कर लो फिर दवाई लेने चलते अम्मा। अजान क्यों क्यों सवेल लता बनवे दी अपने कहनी पी दी चा चा सा फजूल गल ना कर। अलोन जुल्लू किते गई है? किधर गई? और वाल वाशरूम पहुंच गई है। देखो बुजुर्ग है कौन देख सी, तू किधर जा रही है? है हेलो गुडे किधर जा रही है बता। देर थी पे भाई चले चलो भाई हंस के रहे हो? अरे किसी को सच्ची मुची मसला तो आप हंसते रहो। सच्ची मुची क्या कुछ भी भाई देखो मैं कैसे लग रही हूँ माशाल्लाह। चल हम तो ऐसे वीडियो शूट करे जैसे हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, मम्मा की दवाई लेने जा रहे हैं। ये देखो नहीं बस ये दवाई लेने जा रहे हैं। वैसे आप लोगों को दुआ करना हमारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, बस उनको है कुछ नहीं, बस दिमाग का ही है। चले अभी वॉशरूम में घुसी हुई अब आती है तो चलते हैं। चा बिला जोल जवान है जवान ते क्या करे तू चा अम्मा को चा बने अम्मा की दवाई लेने जाना है। आओ भाई चले जल्दी आ चलो बाद सारे वैसे अम्मा मेरे को लगता है अम्मा को बिलावण में दे डॉक्टर ने आखा ते कुछ कह नहीं तेरी खैर तो ही कहना हो सिया नहीं तू सुन दी बैठी है याद रखी गल भाई सुन रहा है ना अगर डॉक्टर ने बोला मैं को कुछ नहीं है ते अम्मा दी उठाई खैर कहना डॉक्टर को नजर लगती पई भाई जूता दो जूता ये पिंक वाला जूता दो फैशन करने जा रहे हम फैशन सही सही तो ना डाउन पे नहीं बहाने तो पड़ा चल अच्छा गिन जुल जुल अम्मा सच नहीं गल करे ने कि कुछ कह रहे हम जिस दिन सीरियस हो गए उस दिन सच्ची मुची अम्मा बीमार हो जाएगी समझा रहे हैं आप दुआ कर खिलवे नहीं गलो सकून है क्यों बिले सो गेन आगू ते दुपट्टा चा जोल मामी ऊपर बे हाँ में उस्मान बे सही लो जी हम हॉस्पिटल पहुंच गए अभी हम दवाई वगैरह लेके वापस आके आप लोगों को बताएंगे अम्मी की तबीयत कैसी है तो आप लोग दुआ कीजिएगा ठीक है हम हॉस्पिटल देके पहुंच गए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए हम कैमरा नहीं लेके जाएंगे। फाइनली व्यूअर्स सरकारी हॉस्पिटल में जाना तो सब लो अपने ऊपर नुकसान करने वाली बात है ना जलालत वाली बात है। हम अभी हॉस्पिटल से वापस गाड़ी में आके बैठे हैं चेकअप हो गया है सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बस हल्का सा टेम्परेचर है वो ठीक हो जाएगा। अभी बच्चों ने जिद किया कि हमें जूस पीना है। हां जी मुंह तुम्हारा चपेड़े खाने वाला है। मम्मा जी मम्मा जूस ले लो ठंडे का टाइम आ गया नहीं वो कटक कटक
हम गाड़ी पे लगाएंगे झंडे। तो अभी जूस यूस पी के तो फिर घर जाके आपको अम्मा की तबीयत शबीयत दिखाते हैं। ओके ओके फाइनली जी हम लोग घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अम्मी ठीक है, दिखाओ अम्मी को। अम्मा ठीक हो आप? उस्मान मजा आया हॉस्पिटल में जाकर? हाँ मजा आया, बहुत मजा आया। कैसे ललक थी? बहुत थी ना शोभा। रिवर्स अल्लाह किसी दुश्मन को बिना लेके जाए सरकारी हॉस्पिटल में। खास तौर पे हम गए थे सिर्फ हमारी मजबूरी ये थी कि अम्मा ने शोर मचाया हुआ था कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए हम गए थे। चलो जी आप लोगों को मैं दुआओं में याद रखेंगे और मेरी मम्मा के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दो घंटे लगाए और बहुत परेशानी में लगाए। हाँ बहुत परेशानी में। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।